जिनके टाइम पे आया था ऑगस्ट ऑफर इन 1940। फोर्टी दादा भाई नारोजी ने फाउंड किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन अल बरुनी कोर्ट हिस्टोरियन थे रूलर महमूद ऑफ गजनी महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैनस नीड बट नॉट एवरी मैं ग्रीड आज के सवाल है सेल्फ गवर्नमेंट इज दी ओनली रेमेडी फॉर इंडियाज woes and wrongs? Who was the Viceroy of India when Indian National Congress was started? Who coined the slogan Quit India, Quit India? Who had composed epic poem Prathviraj Raso which is about the life of King Prathviraj Chauhan? Who built the tomb of Itmad-ud-Dawla at Agra? For the first time, token currency was introduced in India by which Sultan of Delhi? So these are six questions for today. आज की vocabulary है tranquility. Tranquility का मतलब है quiet है, peaceful है, शांति है. Reiterate करना मतलब बार बार दोहराना To repeat an opinion, statement, etc. Status quo का मतलब होता है यथास्थिति एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू सोशल और पॉलिटिकल जैसे इंडिया और चाइना का एल एस स्टेटस को कॉन्फ्रंट करना मतलब सामना करना टू थिंक अबाउट टू स्टैंड इन फ्रंट बेअली का मतलब होता है ऑनली जस्ट और ऑलमोस्ट नॉट बहुत मुश्किल से आप उसको सफाइस कर पा रहे हो दैट इज बेअली

दिस इज अबाउट अफगानिस्तान का जो बायोलिट्रल टॉक्स में प्राइम मिनिस्टर ने डिस्कस किया बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके के साथ विल प्रिपेयर अ क्वेश्चन ऑन इंडिया एंड ब्रिटेन रिलेशन देन फेस्टिव सीजन है जीएसटी रेवेन्यू अप हुआ है डेंगू का फीवर फैल रहा है दिल्ली में देन दिस इज अबाउट फेस्टिवल्स दिल्ली पुलिस कॉल ऑफ द माउंटेन्स स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं इलेक्टोरल

पैंटागॉन रैटल्ड बाय चाइनाज मिलिट्री पुश कोल्ड वॉर थ्री श्रीलंका एंड पाक बेट्रेट एंड सोलर अलायस वेरी गुड आर्टिकल या तीन टॉपिक्स हम देखेंगे जो इंडिया के इनिशियटिव हैं जैसे सी डी आर आई देन इंटरनेशनल सोलर अलायसेस और जो आयलैंड नेशन है उनके कंसर्न से रिगार्डिंग वर्क देन वर्क फोर्स रिटर्न हो रही है सेंसेक्स

दिस इज द रीजन की हम अवॉइड कर रहे थे स्टेटमेंट देना नेट जीरो के बारे में ऑल दो एनवायरमेंट मिनिस्टर का जो कमिटमेंट था वो भी ये बोल रहा था इंडिया कोई ऐसी डेडलाइन नहीं प्रॉबेबली बोलेगा बट प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया है ट्वेंटी सेवेंटी तक दो हजार सत्तर तक इंडिया नेट जीरो हो जाएगा मतलब जितना हम कार्बन एमिट कर रहे हैं उतना ही कार्बन हम कंपनसेट करेंगे तो प्लस माइनस इज इक्वल टू जीरो और इसमें एक डेट भी डिसाइड हो गई है डेडलाइन किया है 2070 का तो इंडिया अचीव करेगा नेट जीरो एमिशन बाय 2070 प्राइम मिनिस्टर ने कहा एनर्जी को टैप किया जाएगा हम फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट करेंगे ये कॉप 26 समिट में प्राइम मिनिस्टर ने बताया तो इंडिया का जो है एक्शन वो फाइव पॉइंट रोड मैप है फाइव पॉइंट रोड मैप पहला पॉइंट है टेक नॉन फॉसिल To 500 by 2030. Non मतलब coal, fuel के अलावा. Non 500 करना है by 2030 पहला point. दूसरा point है, नेट जीरो बनाए 2070 तक इंडिया रिजेक्टेड कॉल्स टू अनाउंस अ टारगेट सो दिस इज अ गिव पहले हम नहीं कर रहे थे बट हमने अब ट्वेंटी सेवेंटी डेडलाइन डिसाइड कर दी नेट जीरो मीन्स ऑल मैन मेड ग्रीन हाउस गैसन मस्ट बी रिमूव फ्रॉम एटमोसफियर थ्रू एब्सॉर्बन इन लाइक प्रोसेसिसंथेस और फिजिकल रिमूवल तो जितना भी हम एमिट कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस का उसको हमें रिमूव भी करना है नेगेटिव भी करना है एटमोसफियर से चाहे फोटोसिंथेसिस मतलब फॉरेस्टेशन करो या कोई फिजिकल रिमूवल की टेक्निक लाओ तो जितना प्लस आया उतना ही माइनस भी करना पड़ेगा हमें तो ये हो जाएगा नेट जीरो 2070 पहले हम डेडलाइन नहीं बता रहे थे बट अब अनाउंस हो गया है 50 परसेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल से होगी 2030 तक कार्बन एमिशन 1 बिलियन टन कम करेंगे फ्रॉम नाउ टू 2030 और रिड्यूस करेंगे इकोनॉमी का कार्बन इंटेंसिटी लेस देन 45 फाइव परसेंट बाई ट्वेंटी तो पांच पिलर्स कौन से हुए पहला नॉन फॉसिल एनर्जी पचास पाँच सौ तक लाना है नेट जीरो 2070 तक बनना है 50 प्रतिशत एनर्जी हमारी रिन्यूएबल से आनी चाहिए कार्बन एमिशन 1 बिलियन टन तक कम करना है और इकोनॉमी की कार्बन इंटेंसिटी भी कम करना है सो so, ये है पॉइंट रोड मैप जो COP26 में प्राइम मिनिस्टर ने बताया इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश काउंटर पार्ट ब्रि बोरिस जॉनसन बिकॉज कॉप ट्वेंटी सिक्स ग्लास्गो यूके में हो रहा है और यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस इन ग्लासगो ऑन मंडे तो टॉक्स भी हुआ लीडर्स में और ये ओवरऑल करेक्ट मैसेज यहाँ पे गया है करेक्ट मैसेजिंग गई है इसके डिटेल्स हम देखें तो इंडिया अचीव करेगा नेट जीरो एमिशन 2070 तक प्राइम मिनिस्टर ने कॉप ट्वेंटी सिक्स समिट ग्लासगो में कहा इंडिया अभी तक ओनली मेजर एमिटर था जिसने एक टाइमलाइन एमिट टाइमलाइन कमिट नहीं की थी बट अब हमने कमिटमेंट कर दिया है कि दो तक हम नेट जीरो बनेंगे तो दिस इज़ अ न्यू डेवलपमेंट हम जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहे हैं उतना ही हम कंपनसेट भी करेंगे तो ये दिस पॉइंट हुआ 2030 तक इंडिया 50% परसेंट एनर्जी होगा वो रिन्यूएबल सोर्सेज से लेगा इंडिया ने कमिट किया है कार्बन एमिशन अंटिल 2030 थर्टी एक बिलियन टन तक कम करेंगे हम इंटेंसिटी जो है जीडीपी की कार्बन एमिशन जो हम करते हैं उसकी इंटेंसिटी भी कम करेंगे लेस देन 45 परसेंट हम 500 हंड्रेड गीगा वॉट के रिन्यूएबल एनर्जी होगा 50 गीगा वॉट का एग्जिस्टिंग टारगेट से दिस इंक्रीज किया है यूनाइटेड नेशंस कंट्रीज मस्ट एक्ट टू हैव सेव ह्यूमैनिटी बिकॉज क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है हमने इस बात से कभी इंकार नहीं किया कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी क्लाइमेट चेंज के कारण अन टूवर्ड सर्कमस्टेंसेज और डैमेज बहुत हो रहा है तो इसीलिए इंडिया ने यहाँ पे फाइनली कमिटमेंट भी शो किया है पेरिस डील का जो टारगेट है कि लिमिट करना है लिमिट करना है ग्लोबल वार्मिंग को डेढ़ डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको अभी भी अलाइव रखा है तो मतलब द बैटल इज नॉट लॉस्ट हम अभी भी एफर्ट्स डाल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज में हम कलेक्टिव एफर्ट्स डालें बट जो पहले हमने टॉपिक्स पढ़े ना पॉइंट्स पढ़े वो अभी भी वैलिड है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए ग्रीन क्लाइमेट फंड में जो हंड्रेड बिलियन डॉलर पर ईयर का फंड है वो प्रोवाइड करो और आई भी दो और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी दो और जो डेवलप्ड कंट्रीज है इनको ज्यादा बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा क्लाइमेट दिस फाइट में बिकॉज पर कैपिटा इंडिया का अभी भी कार्बन एमिशन इज वेरी वेरी लो तो ये बात हुआ दिस एमिशन बाय 2070, यह सबसे बड़ी न्यूज है 2070. सेकंड सेकेंड है कैन नॉट इम्पोज ब्लैंकेट बैन ऑन ऑल फायर क्रैकर्स सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब भी ये ब्लैंकेट बैन जैसी चीज आती है ना मतलब one, one fit, ऑल एक ही एक ही सॉल्यूशन दिया और कंप्लीट बैन लगा दिया ये ब्लैंकेट बैन यूजुअली अवॉइड करना चाहिए कई बार हम केस स्टडीज़ में भी आंसर्स लिखते हैं तो ब्लैंकेट बैन के बजाय आप बता सकते हो केस बाय केस बेसिस पे डिसीजन होगा जैसा केस का मेरिट अकॉर्डिंगली डिसीजन होगा तो फायर क्रैकर्स में भी ब्लैंकेट बैन के लिए मना किया है कैन नॉट इम्पोज ये इम्पोज नहीं होगा बट इन जनरल जो हमारा डायरेक्शन है वो ये है कि जो फटाखे होते हैं उसमें टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं एटलीस्ट इनको कम करना ज़रूरी है फटाकों से पॉल्यूशन होता है इंजरी होती है टॉक्सिक केमिकल्स को बैन करना ज़रूरी है एनवायरमेंट और हेल्थ पे ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है दूसरा पहलू ये है कि ये जो फायर क्रैकर है ये एक बिलियन डॉलर इकोनमी है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है इकोनमी होती है प्लस फटाकों के साथ हमारे बिलीफ सिस्टम जुड़े हैं हमारा फेथ जुड़ा है हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हैं तो आप इनको आउटराइटली बैन भी नहीं कर सकते द पॉइंट इज वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन और सोल्यूशन क्या है ग्रीन क्रैकर्स ग्रीन पॉल्यूटिंग होते हैं जैसे आई ए आर दिस सी एस आई आर के हमने देखे थे कुछ ग्रीन क्रैकर्स तो दिस इज इंपॉर्टेंट फाइंड अ सोल्यूशन ब्लैंकेट बैन जैसा कोई सोल्यूशन प्रैक्टिकल नहीं होगा फिजिबल नहीं होगा अब प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान के बारे में भी बात किया बोरिस जॉनसन से बोरिस जॉनसन से ग्लासगो टॉक्स ओवर कवर क्लाइमेट चेंज एंड पोस्ट कोविड सिनेरियो में भी बात किया एक्चुअली ये जो जी ट्वेंटी मीट हुआ फिर ग्लासगो मीट हो रहा है तो इसमें सारे वर्ल्ड के लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म पे आके मिलने का इन पर्सन मिलने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है तो दैट इज वाई इसका सिग्निफिकेंस इतना ज्यादा है इन पर्सन मीटिंग तो लीडर्स ने डिस्कस की बायोलेट्रल पार्टनरशिप लाइक जी ट्वेंटी ग्लास्गो दोनों हो रहा है जी ट्वेंटी रोम एंड ग्लासगो यूके बट साइमल्टेनियसली जो कंट्री के लीडर थे उन्होंने इसके बैकड्रॉप में बायोलेट्रल पार्टनरशिप के बारे में भी बात किया क्लाइमेट चेंज की बात किया इंडो पैसिफिक न्यू की वर्ड बज वर्ड इंडो पैसेफिक स्ट्रैटेजी और पोस्ट कोविड वर्ल्ड में ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी कैसे करें तो ये सब मुद्दों पे भी एक बात हुई है रोड मैप तैयार करने की बात है 2030 तक का ट्रेड इकोनॉमी पीपल टू तो पीपल टाइज हेल्थ डिफेंस सिक्योरिटी एरियाज ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी क्लीन टेक्नोलॉजी कोलेबोरेशन थ्रू इंटरनेशनल सोलर अलायंस कोऑलिशन फॉर डिजास्टर रिजायलेंट इंफ्रा इन पर भी बात हुआ है इनको हम आगे और देखते हैं आई एस ए और सी डी आर आई सो द पॉइंट इज ये सारे की वर्ड्स इंपॉर्टेंट है और जैसे ये इंडिया एंड यूके है बट अगर आप देखो ना तो किसी दूसरी कंट्री यूएसए में भी मोरल लेस ये सारे की वर्ड्स बायोलेट्रल रिलेशन में नजर आते हैं लाइक रिन्यूएबल एनर्जी हाइड्रोजन ट्रेड कोऑपरेशन सिक्योरिटी लाइक दैट तो ये कॉमन पॉइंट्स हैं आप हर जगह इनको यूज़ कर सकते हो इंडिया यू के टाइज हैं इनके ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स हैं बिकॉज अभी चर्न चल रहा है इंडिया भी पोस्ट कोविड पोस्ट कोविड वर्ल्ड में अपना प्रॉस्पेक्ट्स ब्राइटन करना चाहता है यूके के साथ अभी ब्रेगजिट हुआ है सो ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के राइज ऑफ इंडिया हो रहा है और रिसर्जेंस हो रहा है यूके का सो दैट इज़ बाय स्टार्ज अभी अलाइंट है कोलोनियल प्रिजम होता है लेगेसी ऑफ पार्टीशन होता है तो इससे टेंट होते हैं रिलेशन बट वी नीड टू ओवरकम दीज फैक्टर्स लेगेसी ऑफ पार्टीशन इन कोलोनियल प्रिजम हिस्ट्री से ओवरकम करना पड़ेगा लुक फॉर फ्यूचर पैंडमिक एक बहुत बड़ा कोऑपरेशन का एरिया है ट्रेड एक बहुत बड़ा कोऑपरेशन का एरिया है और जियो स्ट्रेटेजी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसिडरिंग द राइज ऑफ रिवेंजफुल राइज ऑफ चाइना सो ये इंडिया और यूके के पार्टनरशिप में ये तीन फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है तो हम सवाल तैयार करते हैं विद द होल न्यू सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस इंडिया एंड ब्रिटेन कंसिडर दिस यूके शुड रिकोग्नाइज दैट दे बोथ नीड ईच अदर टू अचीव देयर लार्जर गोल्स दोनों का रिलेशन इंडिया और यूके का हैंड इन ग्लव टाइप रिलेशन बन रहा है तो हमें जरूरत है सो दैट वी कुड अचीव अवर लार्जर गोल्स सो ट्राई टू डिस्कस दिस क्वेश्चन इसमें आप इंडिया और यूके के जो रिलेशन हैं उसके बारे में कमेंट बताइए आप बताइए क्या क्या कन्वर्जेंस एरिया है फ्रिक्शन का एरिया क्या है थिंक थिंक लाइक दिस ओके सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन डॉक्टर जैक लोव को भी मैं बोलता हूँ इज गोइंग टू राइट मेन्स अभी तो वो भी अब एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा आप लोग भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो पार्टिसिपेट एंड राइट आंसर्स ओके कोई शॉर्टकट नहीं है इस एग्जाम का और कोई सीक्रेट भी नहीं है जो भी बातें है ना वो सब ओपन में है फर्क केवल ये हो जाता है कि कौन उसको एग्जीक्यूट करता है और कौन केवल प्लान बनाता रह जाता है और एग्जीक्यूट नहीं करता सो so, एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है आप रोज लिखो एटलीस्ट वन एक पन्ना तो डेली लिखना है तो लिखना है मेक दिस ओके हैबिट्स अच्छी होगी तो रिजल्ट बेटर आएंगे मोटिवेशन इज ओके बट डिसिप्लिन होना जरूरी है बिकॉज मोटिवेशन एवरीडे नहीं होता डिसिप्लिन एवरीडे होता है ओके okay? फेस्टिवल सीजन फायर जीएसटी रेवेन्यूज ओके सो दिस इज फेस्टिव सीजन है फायर जीएसटी रेवेन्यूज कंट्री का ग्रॉस जीएसटी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू क्रॉस हुआ है वन पॉइंट थ्री लाख करोड़ अक्टूबर में बिकॉज अभी फेस्टिवल टाइम है हम ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं मनी तो जीएसटी भी नंबर अप हुआ है विच इज अ गुड थिंग सेकेंड हाइएस्ट कलेक्शन हुआ है टैक्स रिजीम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन टू थाउजेंड से तो प्री फेस्टिव सीजन स्टॉकिंग एंड इम्प्रूव कॉम्पलायंस कॉम्प्लाइंस मतलब लीकेजेस भी कम हुए हैं जी एस टी कलेक्शन के तो दिस इज गुड इसके कारण रेवेन्यूज राइज हुए अब ये डिस्कस किया था बोरिस जॉनसन से ऑलराइट सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू अब हम आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है डेंगू फीवर के बारे में दिल्ली की हालत खराब हो रही है डेंगू रिलेटेड केसेस बढ़ रहे हैं तो डेंगू के अगेंस्ट हमें सेफ करना जरूरी है डेंगू के सिम्टम्स क्या होते हैं जैसे आई पेन फीवर हेडेक मसल पेन बोन पेन नोसिया वॉमिटिंग ज्वाइंट पेन रैशेज ये वायरस ट्रांसमिट होता है थ्रू द बाइट ऑफ इंफेक्टेड एड इज एजेप्टी एड एजेप्टी एंड एड एल्बोपिक्टस एड इज एजिप्टी एल्बोपिक्टस फीमेल मॉस्किटोज से ये फीड करते हैं इंडोर आउटडोर ड्यूरिंग द डे टाइम तो द पॉइंट इज डेंगू से बचना है फुल स्लीव के कपड़े पहने आप शाम को वॉक पे भी जाते हो गार्डन पार्क में फुल स्लीव पहनिए और दिस क्लीनलीनेस होना बहुत जरूरी है स्टेग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए डिस्पोजल करें गार्बेज को टू तो बी सेफ फ्रॉम डेंगू ओके दिस इज इंपॉर्टेंट डेंगू फीवर टेक गुड केयर ऑफ योर बीमार नहीं पड़ना है देन दिस इज एक एक्सपो चल रहा है सी अब दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या बोला सेलिब्रेशन कान बी एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ फेस्टिवल जरूरी है सेलिब्रेशन भी जरूरी है बट नॉट एट दॉ लाइफ लाइफ थ्रेटनिंग बैरियम सोल्ट फायर क्रैकर फायर क्रैकर आर प्रोहिबिटेड ओके तो यूज ऑफ बैरियम सोल्ट फायर क्रैकर में मैन्यूफेक्चरिंग में सेलिंग में ये सब बैन है टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं ये लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं इंजरी होती है विलफुल डेलिबरेट डिसोबिडियंस से

जब अब हम सेलिब्रेट करते हैं हम हैपीनेस सेलिब्रेट करते हैं दिस इज नॉट द टाइम दिस इज द टाइम टू बी एंजॉयड राधर देन अ ड्रजरी टू बी एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग सो ट्राई टू डिस्कस दिस स्टेटमेंट कि जीवन एक खुशी की चीज है एक त्यौहार का आनंद लेना है ना कि एक कठिन परिश्रम को सहना है जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं अगर एक्सीडेंट हो गया तो हु विल गेट अफेक्टेड योर फैमिली फ्रेंड्स सबका फेस्टिवल खराब होगा तो द पॉइंट इज फेस्टिवल को ड्रजरी नहीं बनाना है फेस्टिवल को एक हैप्पी थिंग बनाना है दैट इज वाई यू हैव टू एक्ट रेस्पॉन्सिबिली फायर क्रैकर्स भी अगर आप फोड़ रहे हैं तो एक्ट रेस्पॉन्सिबिली क्योंकि इसमें भी कुछ केसेस में इंजरी एक्सीडेंट्स होते हैं सो द पॉइंट इज सेलिब्रेशन करना है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ इलेक्ट्रोरल रोल रिविजन एक्सरसाइज बिगिन एंड कॉल ऑफ द माउंटेन्स आई स्पीड ये कहाँ का सीन है ये है टूरिस्ट स्कीइंग कर रहे हैं इसको स्की बोलते हैं स्की एक स्पोर्ट भी होता है विंटर ओलम्पिक्स वगैरह में हम देखते हैं स्कीइंग स्नो कवर्ड दिस इज कॉक्सर इन हिमाचल प्रदेश ऑन मंडे एक्सलेंट कॉल ऑफ द माउंटेन्स

क्लाइमेट चेंज मेजर टैक्स अग्रीमेंट है पंद्रह प्रतिशत मिनिमम टैक्सेशन मेजर टैक्स अग्रीमेंट ये स्टेप्स हैं ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के लिए पैंडमिक क्लाइमेट चेंज और टैक्स तो ये यहाँ पे हुआ डब्ल्यू के रोल पे भी बात किया कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन की बात किया एजम्सन ये था कि कमिटमेंट जी का था कि सप्लाई ऑफ वैक्सीनेशन बढ़ाए कोऑपरेशन करें ताकि वर्ड ओवरकम कर पाए सप्लाई और फाइनेंस कंस्ट्रेंट से सप्लाई लॉजिस्टिक्स एंड फाइनेंस पैसे के कंस्ट्रेंट से हम ओवरकम करें फिर हंड्रेड बिलियन अ ईयर का वर्ड एडेप्टेशन मिटिगेशन फंड बनाना है ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए क्लाइमेट चेंज के लिए तो इन सब में डाइवर्जेंस व्यू भी था बट ओवरऑल एक सिनर्जी बनती हुई नज़र आई है कि हमें क्लाइमेट चेंज में कलेक्टिव फाइट प्रेजेंट करना है ऑल दो ये आर्टिकल कल का लग रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि रिजेक्ट कर दिया है कॉल टू अनाउंस अ टारगेट ऑफ जीरो अमिशन बट प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है 2070 तक इंडिया नेट जीरो बनेगा तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हुई डेढ़ डिग्री सेंटीग्रेड जो क्लाइमेट चेंज को राइज को हमें डेढ़ से ज़्यादा राइज नहीं होने देना है ग्लोबल वार्मिंग उस पर भी हमने कंसेंसस बनाया ये टाइम है फ्रेजाइल पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी इकोनॉमिक रिकवरी का लॉकडाउन हैं वो पैरालाइजिंग होते हैं इसके अलावा प्रॉब्लम्स हैं इन्फ्लेशन का एनर्जी एक सौ बिक रहा है स्पाइकिंग एनर्जी प्राइसेस और सप्लाई चेन बॉटल में फिर से वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं तो G20 लीडर्स ने यही कहा कि यहाँ पे वर्ल्ड को कलेक्टिव फ्रंट प्रेजेंट करना जरूरी है स्टिमुलस देना जरूरी है प्लस मल्टीनेशनल कंपनीज टैक्स इवेजन करते हैं तो उसके लिए पंद्रह जो पड़ा था हमने टैक्सेशन फिफ्टीन परसेंट टैक्सेशन होगा टैक्स टैक्स पॉलिसीज के का जो फायदा उठाया जाता है उसको प्लग इन करेंगे स्टेबल और फेयर इंटरनेशनल टैक्स तो ओ सी डी ने भी बताया कि इससे क्या होगा 136 कंट्री रिफॉर्म को सपोर्ट कर रही है और जो 90 परसेंट ऑफ ग्लोबल जीडीपी का है 2023 तक ये एक्टिवेट हो जाएगा 15 परसेंट टैक्सेशन वाला विच इज अगेन गुड टैक्स कॉम्प्लायंस बढ़ेगा तो जी ट्वेंटी जो प्राइमरली होता है ये होता ही प्राइमरली इकोनॉमिक एक्टिविटीज इकोनॉमिक पॉलिसीज इसका मीटिंग है बिकॉज इज टॉप इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड इससे रिलेटेड पैरल में क्लाइमेट चेंज भी हुआ सेफ्टी सिक्योरिटी भी हुआ कोविड नाइनटीन भी हुआ इन सब पे यहाँ पे बात हुई अब बताओ सिंगापुर मेंबर है जी ट्वेंटी का या नहीं ओके okay? तो दिस इज टाइम फॉर एक्शन फिर है अ वोट फॉर स्टेबिलिटी वोट फॉर स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ना एक बहुत रिच डिविडेंड पे करती है अगर स्टेबिलिटी है गवर्नेंस में तो इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आते हैं तभी आप देखना अक्सर एम्पायर्स को स्टेबल रहने का अक्सर प्रेफर किया जाता है जापान में भी अभी वोट हुआ पहले यहां पे शिंजो आबे थे इन्होंने बड़ी अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड की थी काफी लॉन्ग टेन्योर में इनका हेल्थ क्राइसिस पे इन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो आई योशो हिदे सुगा फिर कोविड नाइन्टीन क्राइसिस हुआ अभी टोक्यो ओलंपिक्स भी हुआ तो क्रिटिसिज्म भी हो रहा था फॉर पर्सनल रीजन इन्होंने रिजाइन किया फिर फूमियो किशिदा आए और फिर अभी वोट भी हुआ तो किशिदा कंटिन्यू करेंगे जापान की अभी तीन प्रॉब्लम है पैंडेमिक इकोनमी और सिक्योरिटी बिकॉज चाइना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है दिस जापान के लिए भी तो सी जापान के साथ हमारे अच्छे टाइज हैं लेटर सी यहाँ पे अब फर्दर क्या डेवलपमेंट होता है न्यू प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ये जो न्यूज है वो लिखा है एम के नारायण साहब ने लीड आर्टिकल है आप फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे कश्मीर फ्रेजिलिटी हैज मोर कॉम्प्लेक्स रीजन प्रॉब्लम क्या है पिछले कुछ टाइम पे हमने देखा कश्मीर में टेररिज्म का राइज हुआ कुछ केसेस हुए जिसमें सिविलियंस पे टारगेट किया गया सिविलियंस को तो ये चेक करना जरूरी है मिलिटेंसी की कोई जगह नहीं है आर्म्स वेपन्स वायलेंस इसकी कोई जगह नहीं है तो टू लिमिट व्हाट इज़ हैपनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर सोल्ली टू द इम्पेटस क्रिएटेड बाय दिस अफगानिस्तान में भी ट्रबल चल रहा है तो पॉइंट इज हमको कश्मीर का जो फ्रेजाइल पीस है इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए ग्राउंड लेवल पे वर्क होने चाहिए ग्रोथ डेवलपमेंट बेटर लाइफ कंडीशंस प्रोवाइड करनी चाहिए लोकल जो लीडर्स हैं स्टेक होल्डर्स हैं सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और जो मिलिट्री है इंटेलिजेंस है उसमें भी लैपेस नहीं होने चाहिए इंटेलिजेंस लैप्स होता है तब जाके अटैक होता है दिस मिलिट्री पे। तो यहाँ अगर ऑफिसर्स भी अगर लैक है एप्ट नहीं है तो यहाँ पे भी वर्कआउट करने की जरूरत है इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होना चाहिए और चाइना इज ऑल्सो वन फैक्टर सर तो पॉइंट पॉइंट इज कश्मीर पॉलिसी में देर इज नो रूम फॉर दिस

बट अगर आप सारे पैसे उड़ा देते हो तो वो साउंड नहीं है आपके लिए सेम इज़ विद वाटर वाटर की तो खूब अवेलेबिलिटी है अभी इतना ज्यादा रेनफॉल हुआ मॉनसून भी ठीक ठाक हो रहा है द पॉइंट इज जो आ रहा है आपकी जो पैसे कमा रहे हो आप सेविंग भी करते हो या, या नहीं आप जो वाटर आ रहा है उसको कंजर्व करते हो या नहीं तो कंजर्वेशन जरूरी है और एफिशियंट यूजेज है फालतू पैसे नहीं उड़ा रहे हैं एफिशियंट यूजेज भी होना चाहिए तो सेम इज विद वाटर अब पहले क्या था वाटर ऐसा है ना बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में डिवाइडेड है इसका वर्क तो मिनिस्ट्रीज में भी कंजर्वेशन कोऑर्डिनेशन चाहिए इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा गंगा रिजुवनेशन ये एक मिनिस्ट्री थी दूसरी थी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इन दोनों को मर्ज कर दिया और नई मिनिस्ट्री कौन सी बनी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बिकॉज ये जो काम है ना रिवर डेवलपमेंट गंगा ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन ये मोर और लेस सब आपस में जुड़े हुए हैं तो एक नई मिनिस्ट्री बनी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति दो में कोऑर्डिनेशन अब जो की वर्ड है हमें रखना है एक तो ग्राउंड वाटर को हमें रिचार्ज रखना है प्यूरिफाइड रखना है और एक्सप्लॉइट नहीं करना है ज्यादा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज नीति आयोग ने एक अर्बन वाटर क्राइसिस से रिलेटेड एक रिपोर्ट निकाला था शहरों में पानी की बड़ी कमी है जैसे चेन्नई हुआ बेंगलोर में बड़ी प्रॉब्लम है ड्रिंकिंग वाटर कुकिंग सैनिटेशन ये बेसिक चीज़ें भी फुलफिल नहीं हो पाती है डिफॉरेस्टेशन से थ्रेट आता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज डिफिकल्ट हो रहा है फ्लड प्लेन्स को हम ह्यूमन सेटलमेंट एनक्रोचमेंट कर लेते हैं लेक्स वेटलैंड्स डाइंग पंजाब में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया ग्राउंड वाटर का एक्सेसिव यूज़ हुआ तो सॉल्ट पैन बनने लग गए पॉल्यूशन है ग्राउंड वाटर डिप्लीट भी हो रहा है द पॉइंट इज नेशन थ्रू इफेक्टिव लैंड एंड वाटर जोनिंग रेगुलेशन हम प्रोटेक्ट करें अर्बन वाटर बॉडीज को ग्राउंड वाटर सोर्सेस को वेटलैंड्स को ग्रीन कवर को बढ़ाएं फॉरेस्ट ज़्यादा होता है तो पानी ज्यादा आता है और ये सब काम साइमल्टेनियसली होना चाहिए जो वेस्टेज है उसको कम करें वाटर को रिसाइकल करें वाटर को रिचार्ज करें रूफ टॉप हार्वेस्टिंग करें एक्विफर्स को टारगेट करें और रिचार्ज करें वेल्स को रिचार्ज करें रेन वाटर हार्वेस्टिंग से तो एक तरफ तो हम पैसे कमाए दूसरी तरफ बचत करें मतलब वाटर को हम वेस्टेज नहीं होने दें और वाटर को फॉरेस्टेशन लाइक चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट करें रेन वाटर को देन एक्सपर्टीज ऑफ फील्ड में जैसे हाइड्रोलॉजी है वाटरशेड शेड सस्टेनेबिलिटी है हाइड्रोजियोलॉजी है ये क्या है हाइड्रोलॉजी मतलब वाटर से रिलेटेड ये हाइड्रोजियोलॉजी मतलब एक्वीफर जमीन आ गई है जमीन के अंदर एक्वीफर मैपिंग रिचार्ज एग्रीकल्चर साइंस थर्ड हो गया इसमें क्रॉप चॉइसेस जैसे हम पैडी बोलते हैं पैडी पंजाब में बहुत लगाते हैं तो पैडी एक्चुअली पंजाब की क्रॉप नहीं है पैडी बहुत वाटर इंटेंसिव है तो उससे वाटर ज़्यादा कंजम्पशन होता है वेस्टेज भी होता है तो क्रॉप डाइवर्सिफाई करें क्यों ना हम मिलेट करें डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स करें वाटर सेंसिटिव क्रॉप चॉइसेस हो और सॉइल हेल्थ पे भी ध्यान दें तो एक्सपर्ट्स हमें हाइड्रोलॉजी भी चाहिए हाइड्रोजियोलॉजी भी चाहिए और एग्रीकल्चर के भी एक्सपर्ट्स चाहिए रिवर्स लेक्स जो हैं क्रिटिकल है उनको रिवाइव करें एनक्रोचमेंट कम करें पॉल्यूशन कम करें ओवर एबस्ट्रक्शन कम करें ऑब्सट्रक्शन जो है वाटर फ्लो में वो ठीक करें अदरवाइज फ्लडिंग हो जाती है सो so, ये सब चीजें हमें साइमल्टेनियसली करना है कल्टिवेशन वाटर इंटेंसिव क्रॉप जैसे पैडी यहाँ पे लिखा है अग्रवेटेड वाटर डिप्लूशन होता है वाटर सेलाइन हो जाता है इमीजिएट मेजर में देखें तो मैनेज रिप्लेनिश करें ग्राउंड वाटर को पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट करें वाटर बजटिंग करें कि हम हफ्ते में इतना ही पानी खर्च करेंगे एक्वीफर को रिचार्ज करें और कम्युनिटी को जागरूक बनाए और उनको इन्वॉल्व करें इस पूरी प्रोसेस में तो ऐसी कमिटीज बनी भी हैं यूनियन वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट किया था नेशनल वाटर पॉलिसी नेशनल वाटर पॉलिसी तो जो डिफिकल्टीज हैं उनको रूट आउट करना था यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देना था मल्टीपल डिपार्टमेंट्स डिसिप्लिन हो कॉन्फिगर करें कोऑर्डिनेट करें वाटर रिसोर्सेज में सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स कि इंडिया का जो डीपनिंग वाटर स्ट्रेस है इससे एक वे आउट हम निकालें ओके वाटर स्ट्रेस दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक बार आप इसको आर्टिकल को खुद से पढ़ना ये आर्टिकल आपको जोग्राफी ऑप्शनल में भी बहुत काम आएगा और इन जनरल भी जी एस एनवायरमेंट एवरीवेयर बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं एक बार आप इसे

ई नहीं दूसरे सेंट्रल बैंक भी क्रिप्टो जैसी करेंसी के ज्यादा फेवर में नहीं रहते हैं प्लस वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है सो so, ये कुछ पॉइंट है लेटेस सी आरबीआई ने तो इसको बैन करने के लिए भी बोल दिया था क्रिप्टो करेंसी में बट फिर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि क्रिप्टो मतलब राइट टू प्रोफेशन है इसलिए उसको फंडामेंटल राइट right है मतलब उसको वापस ओपन करो वरना आरबीआई ने तो क्रिप्टो को बैन करने की बात कही थी आरबीआई क्रिप्टो के अगेंस्ट नहीं है आरबीआई अगर लाएगा क्रिप्टो तो वो कुछ सेंट्रल बैंक गवर्न क्रिप्टो होगा ये जैसे चाइना में आ रहा है बट ओपन जो इस टाइप का है आई थिंक आरबीआई उसको इतना सपोर्ट फॉर नाउ नहीं करेगा पेस पिक्स अप स्लाइटली साइन ऑफ ऑन पेरिस रूल बुक से बेसिक बेसिक ब्राजील साउथ अफ्रीका इंडिया एंड चाइना ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में तो एनवायरमेंट मिनिस्टर ने कहा कि पेरिस रूल बुक बेसिक जो है क्लाइमेट चेंज सीबीडीआर वगैरह होना चाहिए रिलीज करे एम जी नरेगा फंड ओडिशा चीफ मिनिस्टर ने कहा एक्स एस बी आई पैनल है यहाँ देन दिस इज विसल ब्लोअर लाइकली टू विपोज पैराशूट यूनिट ये आर्मी की यूनिट है प्रैक्टिस कॉम्बैट मेनूवर आर्मी कंडक्ट एयरबोन एक्सरसाइज इन ईस्टर्न लद्दाख ये फिफ्टी पैरा है ब्रिगेड ड्यूरिंग ईस्टर्न लद्दाख सो so, ये ऐसे जम्प पैराशूट से जम्प वगैरह काफी इनके नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइजेस है चलती रहती है वॉर रेडी रहते हैं, वॉर रेडी ऑस्ट्रेलिया रिकग्नाइज कोवैक्सिन गुड बट डब्ल्यू एच ओ यहाँ पे डिफॉल्ट कर रहा है इतना टाइम लगना नहीं चाहिए कोवैक्सिन को सारे डेटा वहां पे दिए दूसरी वैक्सीनेशन है चाइना वगैरह की उनको तो बहुत प्रिलिमिनरी डेटा में ही अप्रूवल मिल गया है तो वॉट्स द प्रॉब विद कोवैक्सिन गाइड लॉन्च फॉर गंगा रिवर डॉलफिन कल हमने इंडस देखा था ना ये गंगा रिवर डॉलफिन है तो गंगा रिवर डॉल्फिन जो है ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ये एंडेंजर्ड लिस्ट में है आई यू सी एन रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है असेसमेंट में शेड्यूल वन में है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवन मतलब जितना टाइगर को प्रोटेक्शन है उतना गंगा रिवर डॉल्फिन को भी है ये अपेंडिक्स वन में आती है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा तो साइट्स में शेड्यूल दिस अपेंडिक्स वन में आती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल वन में आती है और एंडेंजर्ड है ये आयु सी एन रेडलिस्ट असैसमेंट में ये फैक्ट्स हैं ये फैक्ट्स ना याद होने चाहिए टिप्स में स्पेशली डॉल्फिन का हो गया एलिफेंट का हो गया टाइगर का हो गया ये इंपॉर्टेंट एनिमल्स एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया इन सब का नाम पता होना चाहिए कि आयु सी एन स्टेटस क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल वन में है कि शेड्यूल टू में है और साइट्स के किस अपेंडिक्स में आता है दीज थ्री थिंग्स तो ये था गंगा डॉल्फिन का तो ये पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना दिस करण सांगू रिवर सिस्टम नेपाल इंडिया बांग्लादेश सब जगह मिलती है ये तो ये है गंगा डॉल्फिन अब इसका भी ये साइंटिफिक नेम है दिस प्लेटानिस्टा गैंगेटिका दिस गैंगेटिका ग्लोबल प्रायोरिटी में है बिकॉज यू नो ये जो स्पीशीज होती है ये भी एक इंडिकेटर होती है रिवर की हेल्थ अच्छी है तो वहां डॉल्फिन ज्यादा मिलेगी रिवर की हेल्थ खराब है तो डॉल्फिन भी दे डाई डॉल्फिन मैमल होता है या फिर क्या डॉल्फिन मैमल होता है ओके डॉल्फिन इज मैमल गंगा रिवर डॉल्फिन ये अगेन बात है जल शक्ति मिनिस्ट्री भी बोल रही है सेफ रेस्क्यू रिलीज जरूरी है एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे आपने दिस कैनाल्स भी बना दिए है रिवर के आसपास तो डॉल्फिन उधर चली जाती है और फंस जाती है तो वहां से ट्रांसलोकेट करें उसे वापस मेन रिवर पे उसके लिए रेस्क्यू एंड रिलीज ऑफ स्टैंडर्ड गैंग रिवर डॉल्फिन का भी जल शक्ति मिनिस्ट्री का प्लान है दिस इज डॉल्फिन ये याद रखना है डॉल्फिन का नेशनल एक्वेटिक है कहाँ मिलती है और क्या प्रॉब्लम है फिल्म में दो तीन बार सवाल आया है रिवर डॉल्फिन का देन दिस इज अबाउट पैंटॉन रैटल्ड बाय चाइनाज मिलिट्री पुश चाइना बहुत एग्रेसिव हो रहा है बिकॉज हमने पढ़ा है चाइना की डॉक्टराइन शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन है वो बोल रही है मिलिट्री माइट बनना है थी वो वो बोल रहा रहा था economic might बनना है 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 तो तो अभी जो है, वो military might की बात है। तो that is why इस military push के कारण मतलब USA, rattled feel कर रहा है। अब देखते हैं ये वापस सेकेंड आर्म रेस तो नहीं हो जाएगी जैसे कोल्ड वॉर में हुआ था यूएसए और रशिया के बीच में साइबर स्पेस अभी एक नया एरिया है न्यू डोमेन है साइबर स्पेस स के साथ टेंशन चल रहे यू के जैपैन प्राइम मिनिस्टर फोमियो किशीदा विक्ट्रीन दिस इजरे फिशरमैन कल हमने पढ़ा था दो तीन दिन पहले पाक बे पाक स्टेट के बारे में कच्चा टिबू आईलैंड तो यहाँ क्या है बहुत अच्छा फिशिंग जोन है इंडियन फिशरमैन बिकॉज बाउंड्रीज में अगेन डी मार्केशन इन देर आर सर्टन इशूज तो इंडियन जो फिशरमैन है वो ट्रॉलरस यूज करते हैं तो श्रीलंकन हैं वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं इसमें एनवायरमेंट का भी कंसर्न है तो इसका भी एक सोल्यूशन फाइंड होना चाहिए बॉटम ट्रॉलर अक्टूबर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जॉब लॉसिस इंडेक्स पी एम आई पी एम आई का डेटा बड़ा है फिफ्टी फाइव पॉइंट नाइन फ्रॉम फिफ्टी थ्री पॉइंट सेवन इन सेप्टेम्बर पी एम आई का डेटा हो गया फिफ्टी फाइव पॉइंट नाइन मतलब एक्सपेंशन

मतलब दुकान वाले को पता है कि सेल ज्यादा होने वाली है तो पी नंबर ऐसे ही बताएगा कि एक्सपेंशन हो रहा है अगर दुकान वाले को लगेगा सेल हो ही नहीं रही है तो वो कम रॉ मटेरियल खरीदेगा कम परचेस करेगा तो वो क्या बताएगा श्रिंक हो रहा है वहां पे तो ये नंबर याद रखना है लेस देन देनिफ्टी मतलब श्रिंक ग्रेटर देन फिफ्टी मतलब एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ये आई मार्केट का सर्वे होता है मारुति और ह्यूंड है सी का आउटपुट जंप हुआ है टाटा मोटर्स और ये दिस स्पोर्ट्स टी ट्वेंटी चल रहा है इंडियन एक्सप्रेस में बात करें तो यही ये नंबर फिर से है नेट जीरो ट्वेंटी सेवेंटी नेट जीरो ट्वेंटी सेवेंटी डेवलप्ड वर्ल्ड मस्ट रेज फाइनेंस गोल सौ बिलियन डॉलर पैसे दो पेरिस समिट कमिटमेंट सेंटिमेंट विल नॉट बी फॉर गिवन ग्लासगो फेल्स सो दिस इज दैर ये फाइव पॉइंट रोड मैप बस याद रखना है हमें बाकी अभी ये मीटिंग और चल रहा है हम इसको फिर से फॉलो अप लेंगे आई टी मूव अगेंस्ट दिस जी एस टी कलेक्शन स्कूल ओपन हो रहे हैं बच्चे दो गज की दूरी जरूरी है उनको बच्चों को वेल ट्रेन करे की कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करना है मास्क नहीं उतरना है अड ऑफ दिवाली ये बटरफ्लाई स्पीश स्पॉट हुई है नेवर सीन बिफोर इन दहली असैसमेंट बायोडाइवर्सिटी पार्क में फिस्कल कुशन अब फाइनेंसेस बढ़े जैसे 1.3 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ जीएसटी में पेट्रोल डीजल से वैसे ही सरकार को बड़ी आमदनी हो रही है तो जरूरी है ये पैसे आ रहे हैं बट इसको अननेसेसरी एक्स्ट्रा वेगेंस खर्च भी नहीं हो लीवे टू स्लैश फ्यूल एक्साइज ड्यूटी और फ्यूल पे भी थोड़ा कम करें ₹110 हो गया इसको कम करना बहुत जरूरी है रिन्यू करें स्पेंडिंग्स फ्रीज अवॉइडेबल तो वापस पहले जितना खर्चा तो नहीं होगा बट एटलीस्ट फ्यूल टैक्स जो है उसको कम करें एक्साइज ड्यूटी स्टेबल एंड स्टडी इंडिया की इकोनॉमी एंड पॉलिसी स्टैंडिंग विद द सिटीजन पैगस प्रोब में सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट था वो जो चार टेस्ट थे ना ये याद रखने की सर्वेलेंस तो हो सकता है बट फोर टेस्ट है टेस्ट अगर फॉलो कर रहा है तो ही होगा दिस इज डिमिनिश्ड स्टेट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान में भी डिफरेंट पावर सेंटर है और सब आपस में लड़ते रहते हैं डिकोडिंग तालिबान देन दिस इज इंफ्रा ये काम का टॉपिक है इंफ्रा एंड सोलर अलायंस इंडिया क्लाइमेट विजन सी पिछले कुछ टाइम पे वर्ल्ड लेवल पे इंडिया ने दो तीन इनिशिएटिव्स लिए एक इनिशिएटिव तो था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आई एस ए इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका हेडक्वार्टर का है टेल और क्या स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ दिस कैंसर एंड 23 एंड हाफ डिग्री साउथ कैप्रिकॉन इन दोनों के बीच की ही कंट्रीज बस आई के मेंबर बन पाएंगी आंसर सी अब एक तो आई था दूसरा जो था वो था हमारा क्लाइमेट रिजाइलेंट इंफ्रा बनाने का तो व्हाट इज सीडीआरआई सीडीआरआई इज एन एफर्ट टू क्लाइमेट प्रूफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन मेंबर में जैसे हमें पता है साइक्लोन आएगा बट हम ऐसी बिल्डिंग्स बनाए जो वो साइक्लोन को विदस्टैंड कर पाए 26 कंट्रीज में यूएस जर्मनी यूके ये सारी कंट्रीज हैं पार्ट ऑफ कोलिशन है तो दिस इज सी डी आर आई सी डी आर आई सी डी आर आई का मतलब होता है कोल्यूशन फॉर डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी बिल्डिंग बनाओ कि भूकंप आ जाए तो भी वो नहीं गिरे तो वो होगा डिजास्टर रिजाइल इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक तो होगा सी डी आर आई सी डी आर आई पहला था इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये भी इंडिया का इनिशिएटिव है सीडीआरआई भी इंडिया का इनिशिएटिव है सी डी आर आई के अंदर फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजायलेंट आईलैंड स्टेट्स आई आर आई एस Infra for island island मतलब द्वीप जैसे हुआ तो ये एक्चुअली तो क्लाइमेट तो तो इस बात पे फिर से यहाँ ग्लासगो में बात हुआ अकॉर्डिंग टू सी डी आर आई एस्टिमेट एक डॉलर इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रा में मोर रिजाइलेंट इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज तो इससे हम सेव करते हैं डॉलर फोर वेन ए डिजास्टर स्ट्राइक अगर हम थोड़े पैसे लगाते हैं उससे हम बहुत बड़े बड़े नुकसान से बच जाते हैं तो ये जो पैसे आपने लगाए हैं ये एब्सोलूटली वर्थ इट है दैट इज हम बोलते हैं एजुकेशन पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो वर्थ इट ये आपको मल्टीफोल्ड गेंस लेके आएगा इन फ्यूचर अभी जैसे आपका जो टाइम है वो स्टडी का टाइम है फोकस ऑन स्टडीज अगर आप स्टडी अच्छे से करोगे तो आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन होगी नए दरवाजे खुलेंगे आपको दैट इज वाई फोकस ऑन स्टडी टाइम वेस्ट मत करिए ईस्टर्न कोस्ट वलनरेबल है इंडिया का इंडिया नॉलेज सेंटर बने बेस्ट प्रैक्टिस शेयर हो एक्चुअली इस कोलिशन में यही है बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करते हैं कि हमने ऐसा किया तो हम क्लाइमेट से बच गए क्लाइमेट चेंज से बच गए डिजास्टर से बच गए जैसे जापान काफी अच्छा है तो नॉलेज सेंटर है इस कोलिशन में बेस्ट प्रैक्टिस शेयर कर रहे हैं एंड शेयरिंग इज केयरिंग तो मॉनेटरी कॉस्ट है डैमेज डिस्ट्रप्शन बहुत होता है नुकसान होने के बाद ठीक करने में बहुत टाइम एंड एफर्ट जाता है तो कोशिश हमेशा होनी चाहिए पहले दफे नुकसान ही नहीं हो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टेट्स है 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 के अंदर है। फिर एक दूसरी बात भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना तो सोलर अलायंस मतलब रिन्यूएबल अब सनलाइट है एक दिन बादल आ गए तो ऑन ऑफ होता रहता है तो हमें ग्रिड बनानी है और ग्रिड को स्टेबल भी रखना है तो उसका आइडिया है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वन सन वन वर्ड वन ग्रिड सृजन इंडिया भी वन है सो वन सन वन वर्ड वन ग्रिड कॉमन ग्रिड हो मोर देन हंड्रेड कंट्रीज का आइडिया हो स्टेबिलाईज एनर्जी सप्लाई ओवरकम लोकल नेचुरल फ्लक्चुएशन और सनलाइट के नहीं होने के कारण जो फ्लक्चुएशन हो वो ओवरकम हो तो एक ग्रिड बनाए इससे रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी डिलीवरी हो पाएगी तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट तो ये तीन जो दो है ना स्पेशली क्लाइमेट रिजाइलेंट और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये इंडिया के फ्लैगशिप है इंडिया का इनिशिएटिव है तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है नरेगा में फंडिंग टाइम पे होना चाहिए पेमेंट भी जीएसटी कलेक्शन बेटर हुआ है ट्रेंड अच्छा है देन यूएस ऑफिशियल ने स्लैम किया चाइना एबसेंट चाइना अब शी जिनपिंग क्यों नहीं गए दो साल से शी जिनपिंग चाइना छोड़ के नहीं जा रहे बिकॉज डर है Because

क्या पता जनवरी आते आते फिर थर्ड वेव आ जाए सेंसेक्स रिक्लेम सिक्सटी थाउजेंड मार्क ऑन बेटर जीएसटी मॉर्पअप ग्लोबल क्यूज टाटा मोटर्स भी इन्फ्लेशन और चिप सप्लाई कम हो रहा है देन चिप शॉर्टेज के कारण व्हीकल मार्केट इंपैक्ट हुआ है ऑटोमोबाइल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एम राइज हुआ है सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस अब हम एक सवाल देखते हैं हम गिव अप कब करते हैं सी ऐसा भी नहीं है कि जब चीजें अन लाइक पेंडिंग हो रहा है बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है तो इट इज़ नॉट वाइज कि आप जस्ट होल्ड करके रखो नो उस टाइम पे गिव अप करना ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है बट वी शुड नॉट गिव अप जस्ट लाइक दैट हम गिव अप क्यों करते हैं जैसे यूपीएससी में भी स्टूडेंट्स आते हैं वो सोचते हैं मैं एक दिन में यहां से यहां हो जाऊंगा एक महीने में यहां से यहां हो जाऊंगा बट वो प्रैक्टिकल है नहीं उतना रिजल्ट मिलता नहीं है तो वो क्या करते हैं गिव अप कर देते हैं एक्सपेक्ट फास्ट रिजल्ट नो टाइम लगता है इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अ पैलेस एक्सपेक्ट फास्ट रिजल्ट जो नहीं मिलता है और वो गिव अप कर देते हैं आप वही स्टूडेंट हो जिसने टेंथ ट्रेजुएशन इतने अच्छे से पढ़ा फिर अचानक यूपीएससी आते ही आप इतने बैकफुट पे क्यों हो जाते हो वाई डोंट यू बिलीव ऑन योर एबिलिटीज स्टॉप बिलीविंग इन दमसेल्व सबसे बड़ा रीजन है जिससे स्टूडेंट गिव अप करते हैं या फिर एक पुराने पास्ट में एक कैसे चल गया है उसी को लूप में चला रहे हैं नो no!

फील दे हैव समिंग टू लूज नो वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा फेल हो जाएंगे what, what else? Lose तो ना डर तो खत्म होगा जब डर खत्म होगा तो जीत आएगी फील दे है सेवन बिलियन लोग हैं जस्ट लाइक यू एंड आई फील द वर्ड ओज देम समिंग नो जस्ट फोकस ऑन योर वर्क योर कर्मा

ट गुड रिजल्ट ईजिली नहीं करना चाहिए सो टूडे वी टॉक्ड अबाउट दिस क्लाइमेट विजन एंड हमने बात किया दिस वॉटर स्ट्रेस का प्रिपेयर फेस्टिवल भी एंजॉय करना एक बोझ नहीं होना चाहिए ड्रजरी नहीं होना चाहिए टू बी एंडल आ रहा है इट शुड टाइम इट इज टाइम टू सेबाउट सरकम स्टैंसेज इंडिया एंड यू के So this is 2nd of November 2021 thank you so much for watching this video take care study well and be safe